जब किसी घर में शादी होती है तो कहते हैं इस परिवार का इस परिवार से योग हुआ है, कहते हैं ना, इसका लड़के का इस लड़की के साथ योग हुआ है, इनका योग लगा है, मतलब इन दोनों का आपस में कनेक्शन। सो जब हमारा किसी के साथ भी कनेक्शन जुड़ता है, इवन एट द लेवल ऑफ थॉट्स, तो उसको कहते हैं इनका इनके साथ इस टाइम योग है। तो योग करना नहीं पड़ता, योग सीखना भी नहीं पड़ता। जिस क्षण हमने जिसको याद किया तो मन ने एक थॉट क्रिएट किया, वो थॉट जिसके लिए क्रिएट किया वो थॉट उस तक वाइब्रेट हुआ, वहां वाइब्रेट होकर उनके अंदर एक थॉट वो ट्रिगर करेगा, हम उनको याद करेंगे, वो हमें याद करेंगे, और उस क्षण हम दोनों का एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, योग लग जाएगा। ये योग किसी ने हमें सिखाया नहीं। एक छोटे बच्चे को बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना सिखाते हैं, याद करना नहीं सिखाते। बच्चे को नहीं सिखाया जाता कि अपने मम्मी पापा को याद करो। याद करना तो नेचुरल है, तो योग उतना ही नेचुरल है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है सिर्फ अटेंशन कि सारा दिन मेरा किसके साथ योग लगा हुआ है। क्यों इम्पोर्टेंट है अटेंशन कि मेरा किसके साथ योग लगा है? क्योंकि जिसके साथ मेरा योग लगा है, मेरा एनर्जी का कनेक्शन उसके साथ जुड़ चुका है। अभी अभी आपने जिस जिस को भी याद किया, उतनी देर के लिए, जस्ट फॉर दोस 2 मिनट्स, आर स्टेट ऑफ बीइंग गेट्स कनेक्टेड टू देयर स्टेट ऑफ बीइंग। लाइक टीवी चैनल्स है, कितने सारे चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, कितने सारे चैनल्स हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल देयर, ओके। बट नाउ इट इज आर चॉइस कि हमें किस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना है। सारी हैं, हवा में है वो, हमने जो बटन दबाया हमें सिर्फ वो ही चैनल दिखाई देगा, इवन दो ऑल दी अदर फ्रीक्वेंसीज आर इन दी एयर, राइट। हम गाड़ी में चल रहे हैं, हमारे पास पैनल पे 10 ऑप्शंस हैं, 98.3, 94.7, सारे हैं, तो फ्रीक्वेंसी सारी हैं। हमने जो बटन सिलेक्ट किया हमें वो ही स्टेशन का गाना सुनाई देगा, बाकी सब के सुनाई नहीं देंगे। सिंपल। एंड विच मीन्स एट दैट मोमेंट आई चोज टू कनेक्ट टू दैट फ्रीक्वेंसी, इवन दो ऑल दी अदर फ्रीक्वेंसीज आर देयर इन दी एयर, विच एवर फ्रीक्वेंसी आई चूज टू कनेक्ट आई विल रिसीव व्हाट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर। सिंपल सिंपल। इवन दो एवरीथिंग इज देयर, सारी वाइब्रेशंस चारों तरफ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, सारी वाइब्रेशंस चारों तरफ हैं। हम जिसको याद करेंगे, वी हैव चोजन एट दैट मोमेंट टू रिसीव ऑल दैट दे आर ट्रांसमिटिंग, क्योंकि उस क्षण हम कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गए, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गए उस टाइम, उनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गए। कभी एक्सपीरियंस किया कि बच्चा दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, वो उसको वहां चोट लगी और माँ को दूसरे देश में पता चल गया, राइट? डज दैट हैपन? हाउ डज इट हैपन? देर हैज टू बी सम रीजन, नो मिरेकल एंड नो मैजिक। बच्चा अमेरिका में है, मदर अहमदाबाद में है, बच्चे को वहां कुछ हुआ, मदर को यहाँ अनकंफर्टेबल होने लगा। डज दिस हैपन? सिंपल।
कैसे हुआ? अब ये हर बार नहीं होगा, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। इट डजंट मीन कि कोई कम प्यार करता है, कोई ज्यादा प्यार करता है, नो। इट जस्ट मीन्स एट दैट पर्टिक्युलर मोमेंट, एट दैट पर्टिक्युलर मोमेंट, सपोज आई एम द मदर, शी इज द डॉटर, ठीक है। एट दैट पर्टिक्युलर मोमेंट व्हेन शी वाज इन पेन, आई वाज थिंकिंग ऑफ हर। जस्ट एट दैट पर्टिक्युलर मोमेंट मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्शन जोड़ा हुआ था? उसके साथ। और जैसे ही वहां दर्द क्रिएट हुआ, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो मैंने वो सारा कुछ रिसीव कर लिया जो वो ट्रांसमिट कर रही थी उस टाइम। और वो उस टाइम क्या ट्रांसमिट कर रही थी? पेन। तो वो पेन ट्रांसमिट कर रही थी, आई कनेक्टेड टू हर, आई रिसीव्ड ऑल द पेन एंड आई सेड आई एम फीलिंग वेरी अनइजी, डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। And after 5 minutes, I receive a phone call that something has happened over there. But I was feeling uneasy before I received the phone call. That's the power of connection. We can receive each other's feelings. We can receive each other's energy. We can receive each other's vibration. Ab dhyan se yaad karna kisi ko. Why is it so important? Because if she is in pain and I think of her, I will experience pain. She is creating anger, if I think of her, I will experience anger, because my frequency gets connected to that frequency. Jisko yaad karenge, uske jaisa bante jayenge. Ye line suni thi shastra mein. Meaning nahi malum tha how it works. जिसको याद करेंगे उसके जैसा बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसको याद करेंगे उस क्षण हमारा मन और उनका मन एक हो जाएगा, और जैसे हमारा मन और उनका मन एक हो जाएगा, वो जो फील कर रहे हैं वो हम फील करना शुरू कर देंगे। तो हम कहेंगे इस क्षण हमारा योग उनके साथ लगा हुआ था, तो वो जो फील कर रहे थे हम फील कर रहे हैं। अब कितने ध्यान से योग लगाना चाहिए और किस किस के साथ योग लगाना चाहिए? क्या लगता है कौन सी आत्माओं के साथ अब योग लगाना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स व्हाई वी फील सो डिप्लीटेड, बिकॉज वी वर थिंकिंग ऑफ पीपल हु वर फीलिंग डिप्लीटेड। कनेक्शन, जैसे ही जोड़ा दो तारों को, एक की एनर्जी दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल दिया, तो अब कैसी आत्माओं को याद करना चाहिए? कैसी आत्माओं को याद करना चाहिए? उससे बड़ा भी सीक्रेट है, एक ही आत्मा को याद करना चाहिए। एक ही आत्मा को याद करना चाहिए, जो हमेशा कैसा रहता है, जो हमेशा कैसे रहता है, जहां कोई चांस नहीं है उदासी का, जहां कोई चांस नहीं है गुस्से का, जहां कोई चांस नहीं है स्लाइटेस्ट इम्प्योरिटी का। अगर उसको याद करेंगे तो फिर हम भी कैसे बन जाएंगे? एवरी रिलीजन, एवरी गुरु, एवरी सेंट, एवरी महात्मा सेड भगवान को याद करो। बचपन से हमने सीखा, स्कूल में जाते थे, सुबह प्रेयर सिखाते थे, सबने कहा भगवान को याद करो, किसी ने नहीं बताया क्यों याद करो, है ना? किसी ने नहीं बताया क्यों याद करो, सबने सिर्फ कहा याद करो, याद करो, याद करो, प्रे करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, ये नहीं बताया क्यों याद करो। अब परमात्मा को अगर याद करेंगे, मतलब योग किसके साथ जोड़ेंगे? परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। रिजल्ट क्या होगी?
परमात्मा के साथ अगर योग जोड़ेंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या होगी? जैसा वो वैसे हम बनते जाएंगे। और चाहिए क्या? और चाहिए क्या? उसी को कहा जाता है सत्संग। कि संग क्यों कहते हैं? जैसा संग वैसा रंग। मतलब जैसा संग, मन जिसके संग में रहेगा उसके रंग से वो मन बच सकता नहीं। मन जिसके संग में रहेगा, संग doesn't mean just sitting next to each other, being with each other, working with each other, living with each other. I could live with her but mentally be connected to her. So if I'm sitting with her, talking to her but thinking of her, to mere upar rang kiska lagega? Mere upar rang kiska lagega? आजकल कई बार होता है ना, बैठे घर पे हैं, सोच ऑफिस के बारे में रहे, काम के बारे में, तो थॉट्स कौन सी क्वालिटी की चल रही है? तो इफ आई एम सिटिंग विद हर, थिंकिंग ऑफ हर, सो मेरे ऊपर रंग किसका लगेगा? इसका लगेगा, इसका नहीं लगेगा। तो जिसका संग मन रखता है, जिसका संग शरीर रखता है नहीं, मन जिसके संग से जुड़ा हुआ होगा उस पर उसका रंग लगना शुरू हो जाएगा। मतलब जिसके संग में हम होंगे उसके वाइब्रेशन का रंग हमारे ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। सिंपल। इसीलिए सत्संग, इसीलिए हर एक ने कहा एक परमात्मा को याद करो। हर एक हमें क्या सिखाता है? सिमर सिमर सिमर, सिर्फ उसका नाम लो। क्यों? जितनी देर उसका नाम लेंगे, लेकिन कहाँ नाम लेंगे? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अगर मैं यहाँ से नाम लेती रहूँ लेकिन यहाँ से किसी और को याद करूँ तो रंग नहीं लगेगा उसका। तो रंग किसका लगेगा? जिसको याद किया। इट ऑल हैज टू हैपन हियर। इसीलिए हर एक ने कहा मंत्र बोलते रहो, जाप करो, सिमरन करो, उसी की याद में रहो। बिकॉज जितनी देर उसकी याद में रहेंगे, सो आई द बीइंग इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द एनर्जी ऑफ गॉड्स वाइब्रेशंस इफ द माइंड इज कनेक्टेड, एंड जितनी देर वो कनेक्टेड है। सो द ईजिएस्ट सिंपलेस्ट वे टू एक्सपीरियंस पीस, टू एक्सपीरियंस लव, to experience bliss, to experience purity, simplest way usko yaad karo. Lekin ab sirf attention yaad kahan karna hai? Sirf yahan nahi. Kai baar kya hota hai, hum yahan to mantra bol rahe hain, jaap kar rahe hain, wo shabd jo hame mila hai uska uchcharan kar rahe hain, andar se kisi se naraaz bhi hai, अंदर से कोई पुरानी बात भी याद कर रहे हैं, देन इसका इफेक्ट नहीं आएगा उतना। तो सिमरन और मंत्र किसने करना है? मन ने करना है। मंत्र मींस मन को तृण करने वाला शब्द, मंत्र। सब कुछ मन ने करना था। तो अब योग, जितनी देर पूरा दिन में योग उस शक्ति के साथ रखा, तो डेफिनेट है कि उतनी देर आई द बीइंग विल एक्सपीरियंस द पावर, द लव, द ब्लेसिंग्स, द ब्लिस ऑफ गॉड। ईजिएस्ट। उसके लिए बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम में से किस किस ने कभी ना कभी जीवन में टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया? सबने किया कि किसी को याद किया, हमने फोन उठाया उनसे बात करने के लिए, हम डायल कर रहे थे और उधर से फोन आ गया, पता भी नहीं चलता कि इनकमिंग कॉल थी कि आउटगोइंग कॉल थी। इट इज सो एक्यूरेट। फिर हम उनको कहते हैं हमने फोन किया, कहते नहीं नहीं आपने नहीं, मैंने फोन किया था। एंड देयर इज एक्चुअली लिटिल कंफ्यूजन कि एक्चुअली विच वन वॉज इट, हमने किया या उन्होंने किया? ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन?
and that somebody could be in any part of the world, and which means vibrations is not dependent on distance, time, space, nothing. Energy just radiates. How does it happen? हमने उनको याद किया और हमने एक थॉट क्रिएट की, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर. दिस इज अ थॉट. ओके, टेलीपैथी डज नॉट हैपन एवरी टाइम एंड टेलीपैथी डज नॉट हैपन विद एवरी वन. नहीं तो हम सारा दिन ऐसे ही कर रहे होंगे ना बातें फिर एक दूसरे से, है ना. वाई डज इट हैपन ओनली वंस इन अ वाइल? क्योंकि सपोज आई क्रिएट अ थॉट, मुझे उनसे बात करनी है. दिस इज माई थॉट. वेन द राइट मोमेंट वेन आई क्रिएट दैट थॉट, इफ एट दैट मोमेंट शी वॉज थिंकिंग ऑफ मी, ओनली एंड ओनली इफ एट दैट मोमेंट शी वॉज थिंकिंग ऑफ मी, शी विल रिसीव वॉट आई हैव ट्रांसमिटेड. एंड द मिनट शी रिसीव्स वॉट आई हैव ट्रांसमिटेड, she will feel I want to talk to her. And हमने दोनों ने इकट्ठे फोन कर देना है. टेलीपैथी सारा दिन होती है? सारा दिन होती है? सारा दिन होती है? नहीं. इस टेलीपैथी को लास्ट ईयर कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. And I just read out that for you. So you know it's scientific. It's not an experience, but it's also scientific. In 2014 September, scientists have sent a mental message from one person to another 4,000 miles away in what they claim is the world's first successful telepathy experiment. They connected one person in Mumbai to a wireless headset linked to the internet and another person to a similar device in Paris. ठीक है, तो visualize the scene. एक व्यक्ति मुंबई में बैठा है, wireless headset है, computer है, internet है, दूसरा व्यक्ति Paris में बैठा है. When the first person merely thought of a greeting such as hello, the recipient in France was aware of the thought occurring. यहाँ इन्होंने थॉट क्रिएट की एंड वहाँ उनको हेलो पता चल गया मुंबई से फ्रांस. हार्वर्ड न्यूरोलॉजी प्रोफेसर सेड दे वांटेड टू सी इफ वन कुड कम्युनिकेट डायरेक्टली बिटवीन टू पीपल बाय रीडिंग आउट द ब्रेन एक्टिविटी फ्रॉम वन पर्सन एंड इंजेक्टिंग दैट ब्रेन एक्टिविटी इनटू द सेकंड पर्सन. Dr. Ruffian added, we hope that in the long term, this could radically change the way we communicate with each other. And which means there is a possibility that we could communicate with each other only and only through the power of thoughts. The only difference that they have written is they are injecting from one brain activity to another. Spirituality says it's not from one brain to the other brain. It's not from one brain to the other brain, but it's from one mind to the other mind, which means it's from one soul to the other soul. Now, this experiment proves one thing. Mumbai में एक व्यक्ति बैठा है, उसने एक thought create की. Paris में दूसरा बैठा है, उसने वो thought catch कर ली. Right? And which means सारा दिन में हम जो thought create करते हैं, जिसके लिए create करते हैं, वो thought उन तक, please underline this, forever today. सारा दिन में हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, जिसके लिए क्रिएट करते हैं, वो थॉट उन तक पहुंचती है. वो उस थॉट को कैच करे और पहचाने, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा. विच मीन्स व्हेन आई क्रिएटेड अ थॉट दैट आई वांट टू टॉक टू हर,
if she is thinking of me, she will catch that thought. But if she is not thinking of me, will that thought still travel to her? Will that thought still travel to her? Yes. Now, this is going to get extremely risky. Every thought we create, for whoever we create, it reaches them. Scientifically proved. Experientially also proved. ध्यान से सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगा जो हम बोलते हैं वो दूसरों को पता चलता है, जो हम करते हैं वो दूसरों को दिखाई देता है, जो हम सोचते हैं वो तो मेरे अंदर कमरे में चलता है। साइंटिफिकली प्रूव्ड, जो हम सोच रहे हैं वो थॉट, हर थॉट जिनके लिए क्रिएट की गई है वो उन तक पहुंचता है। आपको नहीं लगता थोड़ा सा सोच के सोचना पड़ेगा? सोचकर सोचना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा? नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट थिंक एनीथिंग रैंडम। जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट नो दिस, we have spoiled a lot of relationships. Just because we did not know this, we thought relationships was only about the way we spoke and we behave. Spirituality said relationships are about what you think, because your every thought is reaching that person. Because when we create a thought for someone, us kshan hamara uske sath yog lag jata hai. आज से जब सोचें तो ध्यान रखें कि जो मैंने थॉट क्रिएट की, दिस इज लाइक अ व्हाट्सएप मैसेज जो दूसरे के फोन पर पहुंचने वाला है। तो अगर टाइप करते करते अंदर लगे कि ये मैसेज ठीक नहीं है, तो जल्दी से मैसेज को क्या कर दो, डिलीट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीट। कभी कभी टाइप करना शुरू करते हैं ना किसी के लिए, फिर करते 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 क्या बोलते हैं, छोड़ो क्या भेजना, डिलीट करते हैं। सेम हियर, सोचते सोचते भी अगर अवेयरनेस आ गई कि आई एम गेटिंग कनेक्टेड एंड आई एम रेडिएटिंग दिस थॉट टू द अदर पर्सन, स्टॉप, गेट, डिलीट, फिनिश्ड, फिनिश्ड, I am ruining my relationship by sending this vibration to the other person. Because once that message goes, even if she doesn't pinpoint catch it right now, but it has gone into her inbox. When she reads it, that is her choice. It has gone, and all my regret, all my guilt cannot get that message out from there. इट के नॉट। अब जो उनके इनबॉक्स में चला गया, कभी ना कभी तो उनको वो फील होने वाला है, और जैसे ही उन्होंने वो फील किया, फिर वो भी तो टाइप करेंगे वहां से, फिर वो भी तो टाइप करेंगे ना वहां से, फिर वो जो टाइप करेंगे वो हमारे तक पहुंचेगा। एंड ऐसे ही हम सब के इनबॉक्सेस कैसी कैसी चीजों के साथ भरते जा रहे हैं। हम बाहर से बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आते हैं, डिनर करते हैं, रिश्ता, क्योंकि अंदर जो है इट्स गेटिंग फिल्ड विद व्हाट ऑल वी थिंक फॉर ईच अदर।